नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, पापड़ी चाट, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है घर पे, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार इस तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएंगे ये चाट, पापड़ी चाट बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि पापड़ी चाट कैसे बनते हैं घर पे, फटाफट कम समय में और सारे घर के सामग्री से ही, उसमें बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो सामग्री रहते हैं उसी से तैयार हो जाएगा पापड़ी चाट बहुत कम समय में और बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पापड़ी चाट कैसे बनते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पापड़ी चाट कैसे बनते हैं मार्केट से भी अच्छा कम समय में। तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप इस कप से मैदा लिया है और 1/2 कप मैं इसमें सूजी ले रही हूँ, इसे मिला दूँगी। सूजी से बहुत ही खस्ता तैयार होता है पापड़ी। अब मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, इसे हाथों से मैश के अच्छे से रख लिया है और इसे मिला दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पापड़ी का। और अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने ऑयल लिया है 2 चम्मच के लगभग, इसे भी डाल दूँगी, डाल के मिला दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, तो 1/2 चम्मच के लगभग मैं नमक डालूँगी। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सबको मैं अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद मैं इसे गूँथ लूँगी, इसका डो एक तैयार कर लूँगी। मैंने इसके लिए 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी देकर आटे को सख्त गूंथ लूँगी। देखिए मेरा डो कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। मुझे 1 कप से भी कम पानी लगा है इसको गूंथने में, देख रहे हैं कितने अच्छे से गूंथ गया है। इसमें ऑयल मैंने इसलिए डाला क्योंकि खस्ता होता है, तो ऑयल डाल के आप उसको आटे को मिलाकर देख लें, अगर मुट्ठी बंद रहा है तो समझिए कि अच्छे से ऑयल पड़ गया, नहीं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है बड़े वाले चम्मच से। अब मैं इसे रख देती हूँ सेट करने के लिए, सेट होने के लिए, और आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, मेरा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसका लोइया काट लूँगी। तो इसे मैं 5 भाग में तोड़ूँगी बराबर बराबर, देख रहे हैं ऐसे, और इसको साइड करके ढक दूँगी और बाकी इस एक को लेकर मैं बेल लूँगी ऐसे। इस पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा दूँगी ताकि अच्छे से बेल जाए, और इसे रोटी की तरह बिल्कुल बेलूंगी। तो देखिए कैसे मैंने रोटी की तरह इसे बेल लिया है। अब मैंने एक फॉर्क लिया है काटा, इसे मैं इसे पूरी रोटी में छेद कर दूंगी ताकि मेरा जो पापड़ी है वो फूले नहीं, खस्ता हो। इस तरह से मैंने पूरे चारों तरफ से इसमें छेद कर दिया है, देख रहे हैं अच्छे से कर देना है। अब मैंने एक कटोरी लिया छोटा साइज का, आप चाहे तो कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे गोल गोल इसे चारों तरफ से काट दें पापड़ी ऐसे करके। मैंने देखिए काट लिया है और जो बचा हुआ उसे मैं हटा लूँगी, इसे फिर से मैं बेल लूँगी। देखिए मैं अच्छे से मैं कट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, गैस पर चढ़ा दिया, उसमें ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। मेरा ऑयल लगभग गर्म हो चुका है, मैं उसे पापड़ी डाल दूंगी। मैं सबको एक एक करके इसमें डाल दूंगी, गैस लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी, अच्छा लाल होने तक पलट पलट के पकाऊंगी मैं। देखिए कितने अच्छे से मेरा पापड़ी तैयार हो गया है बिल्कुल लाल लाल। अब मैं इसे निकाल लूंगी और बाकी को भी ऐसे ही तल लूंगी। देखिए मेरा पापड़ी कितने अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल खस्ता। अब चलिए आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 प्याज ले लिए हैं छोटे साइज़ के, 1 टमाटर लिया है मैंने, और 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं, मैंने बॉयल आलू लिए हैं। बॉयल करके मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। अब मैं इसे कट करूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक। तो देखिए मेरा पापड़ी बनकर तैयार हो गया है कितने अच्छे से। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ, कितना खस्ता बना है देख रहे हैं। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर
जो आपने दिखाया था उसे बारीक काट लिया मैंने। यहाँ पे मैंने जो आलू लिया था उसे भी बारीक काट लिया है, प्याज लिया था उसे भी बारीक काट लिया है, यहाँ पे धनिया पत्ता मैंने काट लिया है थोड़ा सा। अब इधर बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिया है दही, इसे अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है पिछले वीडियो में, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भुना जीरा पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने सेव लिया है, मिक्सर आप कोई सा मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर ऐसा नहीं हो तो आप कोई सा मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, मैंने घर पे बनाया है इसे। यहाँ पे मैंने धनिया की तीखी वाली चटनी बनाई है, थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने नॉर्मल नमक लिया है। यहाँ पे मैंने मिर्च पाउडर लिया है और कुछ अनार के दाने लिए हैं। तो चलिए मैं अब आपको पापड़ी चाट बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाना है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो ये दिखाते दिखाते मुँह में पानी आ रहा है। आई होप कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा इस तरह से पापड़ी चाट बनाएंगे, तो बार बार आप इस तरह से पापड़ी चाट बनाकर खाना पसंद करें घर पे। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत कम समय में तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट। इस तरह से मैं इसे तैयार कर रही हूँ, देखिए पापड़ी को मैंने सरिया लिया है। अब मैं इस पर डाल दूँगी आलू के कुछ टुकड़े जो मैंने कट करके रखे थे, उसे मैं डाल दूँगी सब पे। आप चाहे तो सभी सामग्री को एक साथ मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है डालने में। अब मैं डाल दूँगी टमाटर, मैंने बारीक काट कर रखा था अच्छे से। अब मैं इस पर डालूँगी प्याज, इसे भी अच्छे से मिला डाल दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें दही, देख रहे हैं बहुत स्वादिष्ट लगता है ये, अब बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा घर पे लगेगा बनाकर इस तरह से खाएंगे आप तो। अब मैं डाल दूँगी इस पर मीठी चटनी ऐसे, आपको देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, बनाते के साथ मैं खाऊंगी इसे। अब मैं डाल दूँगी इस पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा मैं नॉर्मल नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूँगी, उसके बाद मैं मिर्च पाउडर डाल दूँगी, आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इस पर डालूँगी धनिया की चटनी जो मैंने तैयार करके रखा था। अब मैं डाल दूँगी इस पर जीरा जो भुना पाउडर मैंने लिया था उसे भी मैं डाल दूँगी, और फिर मिक्सर डाल दूँगी मैं, सेव डोर मैंने ले रखा था। देख रहे कितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा। और आप एक बार अपने बना कर खा लेंगे तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं भूल जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा से मेरा पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गया, तो इस तरह से ज़रूर बनना है। अब मैं डालूँगी इस पर धनिया जो मैंने कट करके रखे थे, सभी चीज़ मैंने डाल दिया है, सर्व कर दिया मैंने। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।